अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई एक और ब्लॉग में खुशामदीद। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे साथ हुआ था एक बैड सीन कि हमारे घर के बाहर लग गई थी आग, और आग जो है उसमें लग रही वायरिंग में, कि इलेक्ट्रिक की लाइनें, इलेक्ट्रिक की तारें जा रही थी उसमें आग लग गई थी, कोई तार वीक हो गई उसमें आग लग गई थी। तो चलो वो तो हुआ वायरिंग का काम, तो फिर हमने फ़ौरन आग बुझाई और वायरिंग वगैरह सब सही करवा ली और बिजली घर पर आ गई, सही हो गया। लेकिन साथ में बेड सीन ये हुआ कि उसके साथ ही जा रही थी हमारी इंटरनेट की तार, केबल नेट की, तो वो जो है जल गई साथ में और नेट बंद हो गया, क्योंकि नेट के बगैर तो गुजारा नहीं है कि आदमी घर में। अब जो है राशन के बगैर निकाल लेता है दिन, लेकिन इंटरनेट के बगैर दिन नहीं निकाल सकता। नेट के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि तार जल गई थी, तो हमने फ़ौरन जो है हमारे नेट वाले भाई साहब को बताया, जावेद भाई हैं हमारे जे नेटवर्क वाले, वो उन्हीं का नेट हमारे यहाँ लगा हुआ है जे नेटवर्क का। तो उन्होंने उनको मैंने बताया, तो उन्होंने फ़ौरन जो है देखा और आए, फ़ौरन विज़िट किया और वायरिंग वगैरह समझ के गए, और जो है अपने बंदे को फ़ौरन भेजा, तार वार उसने फ़ौरन बिछाए और हमारे घर तक जो है तार उसकी ले आए कि वो बाहर काम कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आएंगे और लगा देंगे। तो भाई मुझे ये अच्छा लगा है, जावेद भाई को बताया और फ़ौरन उन्होंने हमारे लिए फ़ौरन काम किया। तो ये जो है अभी इंशाल्लाह हमारा नेट चालू हो जाएगा थोड़ी देर। तो घर में जो है ये देखे और वह उदास घूम रही थी, नेट भी चल रहा है, ये बोर हो के सो गया, हालांकि पेपर चल रहे हैं, याद कर रहा था तो याद मेरा करते भी करते सो गया ये। और अरीस साहब, अरीस भाई जो है अभी भी याद कर रहे, अज्जू अज्जू भाई अभी भी याद कर रहे ये अकेले नहीं सोच रहा, ये भी है। भाई। इनके साथ जो है ना ये डब्बा भी है। तो भाई अभी जो है जावेद भाई आते हैं तो हमारा इंटरनेट तो ऑन हो जाएगा, अभी फिलहाल हम जो है डेटा यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बाहर चलता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ से तार ब्रेक हुई थी, बाकियात उसकी आपको दिखाता हूँ कैसी है। तो आए चले आपको दिखाते हैं। ये है तार जी केबल की, तो ये पूरी जो है बीच में से जल गई है, इसके ऊपर का जो है पूरा, इसके ऊपर की जो पीवीसी होती है प्लास्टिक, वो पूरी हट गई है। ये बहुत खतरनाक किस्म की जली थी तार जो है ना, ये जा रही थी इसमें आग लगी थी, जिसकी वजह से ये हमारी ये केबल की तार जली गई है, ये आपको दिखाओ। तो अभी जो है जावेद भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही आते तो हमारा नेट ऑन हो जाएगा और फिर सहरी भी करते हैं। इन दोनों का पेपर है, इन दोनों को जाना है स्कूल, और ये दोनों जो है कब से इसकी माँ का सर खा रहे हैं, वो बेचारी इनको पढ़ा रही है और इनके पीछे सर खपा रही है। और मैंने कहा मुझे चाय दे दो, मैं चाय पी लूँ, इसके बाद फिर जो है थोड़ा अपने थोड़ा सुकून कर। स्कूल अब 9 बजे हो गया है, 9 से 12, अभी मुझे थोड़ा जो है मुझे भी थोड़ी घनूटी हो रही है, नींद चढ़ रही है, मेरा चाय वाय पी के थोड़ा जो है आराम करूँ। A few moments later. तो ये हमारे जावेद भाई के बेटे, तुम्हारा नाम से हमार, ये छोटे बेटे, इनसे बड़ा होता है जवान, वो ज़्यादातर आते हैं। और ये भाई कनेक्शन के लिए आ गए, ये टेक्नीशियन है उनके। फाइबर ऑप्टिक के लगे, ये फाइबर ऑप्टिक है, और ये कनेक्शन बना के न्यू डिवाइस के साथ हमारी पुरानी डिवाइस को अटैच करके हमें नेट ऑन करके देंगे। फिर ये नेट का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको जो है डायरेक्ट कंपनी से ही होता है, बीच में हब वब के चक्कर नहीं होते ना, ये डायरेक्टली जैसे कंपनी से चल रहा है उसी के हिसाब से चलना होता है। आप एरिया में लाइट जाए कुछ भी हो, आगे से नेट होने तो आपका नेट होना। शीशे अच्छा, ये शीशे नज़र नहीं आ रहा, फाइबर इसको कहते हैं। इसमें नेट कनेक्शन इसमें होता है, सारी स्पीड इसमें है। ये देखो भाई क्या डिवाइस है, उससे अभी ये कनेक्शन बनाएंगे इसका। ये अहमद खान साहब जो है बना के देंगे अभी। ये बारीक सी जो सुनी है ना, सारा खेल इसका है।
वो वाली काटी थी ये बादाम की ये ऑप्टिकल केबल है ये ना ऑप्टिकल केबल ये केबल ये आपकी डिवाइस में लगती है डिवाइस में ये लगी क्लोज बताएगा मतलब जीरो जीरो पे होता है तो बिल्कुल सही होता है लाइन क्लियर होती है सभी दो लाइन क्लियर हो गई डिवाइस को इंजेक्शन लगा दिया ड्रिप लगा दिया कैनुला ये डिवाइस हमारी यहाँ पर आ गए और इसके ऊपर आ गए हमारी राउट तीन बज चुके हैं सेरी का वक्त कॉल में बन चुका है तो भाई लग चुका है हमारा नेट और एक तो ये जो है ऑन और डिवाइस खिला दिए जाए ऑन ऑन कौन सी डिवाइस बोल रहे थे मैं भूल गया इसको ऑनो डिवाइस और इस पर अटैच होता है फिर हमारा राउटर तो ये फाइबर के लिए ये लगा लिया और अब जो है कनेक्शन जबरदस्त आ रहा है बच्चे खुश हैं ये देखें साइम गेम में लग गया आते के साथ ही भाई क्या सिग्नल आ रहा है मज़ा आ गया भाई साहब चलो भाई ये लग गया और जावेद भाई का बहुत शुक्रिया जे जे नेटवर्क वालों का बहुत शुक्रिया जिनके ताउन से ये लग गया और जल्दी जल्दी काम कर दिया और एक ही दिन में हमारा कनेक्शन अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग तो भाई अभी वक्त हो रहा है सुबह के 9:45 और उर्वा और अनीस को जाना है स्कूल छोड़ने मैं जा रहा हूँ शायद मैं जा रहा हूँ उर्वा और अनीस को छोड़ने के लिए स्कूल और ये दोनों रेडी है बिल्कुल मैं अभी उठा हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह करना नहीं है रोज़ा है स्कूल जाते वक्त मुझे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अभी जो है जल्दी उठने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट बस इनको जो बिल्कुल रेडी होगा उसके बाद में उठाऊँ अभी चलते हैं इनको छोड़ने के लिए आपको दिखाऊँ ये लोग बिल्कुल रेडी है भाई साहब ये देखें गुड मॉर्निंग करो तो भाई अरीज रेडी है और अभी हम जा रहे हैं स्कूल इनका आज पेपर है तो स्कूल छोड़ने चलते हैं अब जल्दी करो बेटा जल्दी करो टाइम नहीं है इतना 9:00 हाँ वो रेडी है ये देखिए और वह बाल बनवा रही है अपनी मम्मा के पास और वह गुड मॉर्निंग करो और ये देखो आई और चले भाई चलते हैं इनको छोड़ कर आते हैं चले चलो उर्वा के उर्वा आ जाओ चलो जल्दी आती जल्दी आती ये देखे भाई ये बच्ची आ गई स्कूल से रोज़ा नहीं रखा देखे रमज़ान में देखे रोज़ेदारों के सामने खा रही है बिस्किट खुले हम ओ शेम उर्वा शेम इस तरीके से नहीं होता है देखो बिस्किट खा रही है तो शर्म करो रमज़ान है उर्वा ऐसा नहीं करना चाहिए उर्वा तो भाई अभी जो है रोज़े का वक्त हो रहा है तो अभी हम लोग इफ्तार करते हैं और किसी भी वक्त अजान हो जाएगी तो अभी इफ्तार करते हैं और पहले इससे पहले दुआ का वक्त होता है तो ये दुआ करते हैं हम लोग इस टाइम और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद
कमरे में आके बैठे तो रुआ यहाँ सो गई है, और साइम का भी सिंधी का पेपर है, सिंधी याद कर रहा है ही या भोलड़ो आ है, ही या भोलड़ो आ है, ही या भोलड़े जो भाए, ही या भोलड़ो, ही या भोलड़े जो भाए। ये देखो और कोई काम ही नहीं है इनको, सुबह से रात तक मोबाइल 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 मोबाइल। सुबह सुबह को याद करो, इसके अभी बाकी है, इसका भी सिंधी है, लेकिन तो सिंधी बहुत आसान लगता है वो सिंधी में, समझो ऐसा हो जाता है जैसे मैथ का पेपर है, सिंधी में उसकी हालत देखो कैसी हो गई, लेकिन ये सिंधी में बहुत रिलैक्स होता है, बोलता है सिंधी का पेपर मैं ले दो, मस्का है रे बाप मस्का। मक्का ने भाई, रात के तकरीबन 10 बज गए और मुझे जाना है थोड़ा बाहर कुछ काम से, तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर, बैठी हुई है उरवा को लेकर जाते हैं बाहर, झूले खिलाते हैं, बेगम साहिबा ने बुरखा पहन लिया है, उरवा कपड़े चेंज नहीं कर रहे, ये पहनो, बाहर ठंड जैसा है, अभी भी कराची में थोड़ा बहुत ठंड जैसा मौसम है, माहौल ऐसा है बाहर के, रात के वक्त लगती है ज़रा दूर अगर जाए ना तो ठंड लगती है, और ये मेरे पीछे पीछे देखें, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया तेरा साथ होगा, ये मेरा साया बन गया मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और ये कल से उठा हुआ है सो नहीं रहा है खाली इस खुशी में कि कल इसका एग्जाम नहीं है। अरे भाई ये खाली इसी वजह से जाग रहा है, और इसकी माँ इसको बोल रही है सो जा सो जा सो जा, ये सो नहीं रहा है, सो जा पागल हो जाएगा, हमारे तीन में से एक पागल होगा हमारे पास है, हमारे तीन बच्चों में एक पागल हो जाएगा, सो जा नींद कर मेरा तबीयत खराब हो जाएगी। तो भाई साहब फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद नहीं भी आए तो वीडियो को लाइक करो, पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़। का क्या करूँ मैं, आप चलो फोन आप चले, फिर आपको बताते हैं इसके साथ क्या हुआ, अगली वीडियो में देखना, अरे बस सब्सक्राइब कर दो।